इवनिंग एवरीवन, हाय, आप नितिन सिंह कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी कैसा है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि डेट चेंज करी है कि नहीं करी, क्योंकि कल मेरे ख्याल से SBI ने एक डेट चेंजिंग का लिंक डाला था। मेरे को लगता है इनका PO का इंटरव्यू है, उन्हें डेफिनेटली चेंज करी होगी। आई डोंट नो, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने डेट चेंज करी है या वही डेट पर रखा है। अभी कैसा है ना कि बहुत लोगों के माइंड में बहुत लोग का स्कोर कम आ रहा है। देखो, ये 2 दिन का टाइम बाकी है, ऐसा तो है नहीं कि भैया न्यूज़ आइंस्टा वाला कोई आपको आइडिया दे दूंगा एकदम से चमक जाएगा दिमाग में, हो भैया ये नहीं ये करना है। वो चीज़ करो जो कि जिससे फ़ायदा हो। सबसे पहली बात है करंट अफेयर्स, चलो सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, बहुत लोग करंट अफेयर्स पर रिलाय करते हैं, बट आपको लग रहा है कि इस साल जितना करंट अफेयर्स पूछा गया है, कोई भी एग्जाम उठा कर देख लो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा टफ थी। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग पे ही फोकस रखो, क्योंकि यही आपका गेम चेंजर बन सकती है। सेकेंड चीज़ ये, मॉक टेस्ट मत लगाना, कोई भी मॉक टेस्ट मत लगाओ, बिकॉज अब आपके पास टाइम भी नहीं है। स्कोर गलती से कम आ गया ना भाई, फट के 4 हो जाएगी, जो एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल चल रहा है ना वो डूब जाएगा, तो मॉक टेस्ट मत लगाना। तीसरी चीज़ ये बोलूँगा कि अब ज़्यादा करंट अफेयर्स मत करो, जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो, नया मत करना। चौथी चीज़ ये बोलूँगा, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत लोग मतलब ऐसे भी है, तो उन लोग के लिए अनएकेडमिक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहा है, और वो टेस्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी चार्ज नहीं है। 25 तारीख को है, 3 बजे से है। आपने जितनी प्रैक्टिस करी है आप लोग ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट प्राइज़ आता है, रैंक 1 आता है, तो 5,000 का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर प्लस 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। सेकेंड थर्ड वाले को 2,500 का और 100% स्कॉलरशिप टेस्ट पूरा मिलेगा। ऐसे ही मतलब हर रैंक के हिसाब से सब कुछ आपको मिलता जाएगा, तो मुझे लगता है आपको देना चाहिए, एकदम फ्री है। और वैसे भी कैसा, अनअकैडमी पे काफ़ी सारे अच्छे एजुकेटर्स भी है, तो यदि कोई सोच रहा है लेने का तो वो उनका ले सकता है। अभी कैसा है कि यदि आप 1 साल का लेते हो 12 महीने का, तो उस पर फ्लैट 20% डिस्काउंट के साथ आपको 2 महीने का एक्सटेंशन टाइम मिलेगा, यदि आप कूपन कोड बैंक 20 अप्लाई कर देते हो। यदि आप 2 साल का लेकर सोच रहे हो, तो उस पर आपको 4 महीने का एक्सटेंशन पीरियड और मिलेगा, प्लस फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा जो भी प्राइस होगा। तो देखा जाए तो 14 महीने और 28 महीने के लिए जो भी प्राइस आपको मिल रहा है, प्लस उस पर डिस्काउंट भी है। तो आप अप्लाई करो बैंक 20 कूपन कोड, मैं लिंक डाल दूंगा, यदि कोई सोच रहा है लेने का तो ले सकता है, और फ्री है ये स्कॉलरशिप टेस्ट, तो जाकर ज़रूर ट्राई करना। लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा, SBI ऐसी एग्ज़ाम है जो कि निकाली जा सकती है यदि थोड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस हो चुकी है तो। बाकी सब में तो कैसा सेक्शनल टेस्ट हो, सेक्शनल कट ऑफ होता है, बट यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं, यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ है। यदि किसी का करंट अफेयर्स इतना अच्छा नहीं भी है ना, मगर उसने इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग पे बढ़िया कमांड बना के रखी है, तो भाई वो निकाल सकता है। और जिस तरीके से हमने प्री का कट ऑफ देखा है, होपफुली कट ऑफ कम हो जाए तो बल्ले बल्ले। बाकी तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस, एंड मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अनअकैडमी की फ्री है स्कॉलरशिप टेस्ट, 25 तारीख को 3 बजे जरूर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले जय श्री राम, राम राम।